नमस्ते, मैं विलास भोंडे। आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आपको यदि ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, बाद में लाइक करिए। कुछ अच्छे विचार सभी लोगों तक पहुँचे, इतना ही इसका उद्देश्य है। सत्संग, काफ़ी लोग सत्संगी होते हैं और सत्संग में जाते हैं, प्रवचन सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए, भजन सुनने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही दो मित्र थे, उसमें से एक मित्र सत्संगी था। वो हमेशा सत्संग में जाया करता था और उसका जो दोस्त था वो कभी सत्संग में नहीं जाता था और वो नास्तिक था। तो एक दिन उसने पूछा कि भाई, तुम इतने दिनों से सत्संग में अलग अलग जाते हो, तो सत्संग में जो बातें होती है उसमें से कुछ याद है क्या? तो वो सत्संगी भाई जो था, उन्होंने कहा कि मैं आपका जवाब बाद में दूंगा, मुझे पहले बताओ कि तुम्हारे शादी को कितने साल हुए? कि 10 साल हुए। 10 साल में भाभी जी ने हर रोज कुछ न कुछ खाना बना के आपको खिलाया। हाँ, खिलाया, अच्छा अच्छा बनाती है वो, अच्छा खाना खिलाती है। अच्छा, तो मुझे बताइए कि ये 10 साल में जो खाना खिलाया वो आपको याद है? आज कौन सा खाना खिलाया, क्या खाया, कौन सा नहीं खाया, कौन सा अच्छा लगा, जो कुछ भी है। तो उस मित्र ने कहा कि ऐसा थोड़ा होता है, खाना याद क्यों करना है, रखना है? खाना खाने से हमारे शरीर को पोषण मिलता है, तो उतना बहुत है। तब इस सत्संगी ने कहा कि भाई, वही तो है, जैसे शरीर के पोषण के लिए खाना खाना जरूरी है, वैसे ही अपने आत्मा के पोषण के लिए सत्संग करना जरूरी है। सत्संग करोगे तो वो जो विचार आते हैं आपके साथ, आपके अंदर आते हैं, वो आपको याद रहते हैं नहीं रहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उससे आपके आत्मा को पोषण मिलता है। आपकी आत्मा साफ होती रहती है, क्लियर रहती है, अच्छी रहती है, सात्विक रहती है। हमारे घर में साफ सफाई हर रोज करनी पड़ती है कि नहीं? एक दिन भी साफ नहीं करते तो धूल जम जाती है। वैसे ही भूख लगती है तो हमें खाना खाना पड़ता है। हम ऐसा थोड़ा कहते कि आज सुबह मैंने खाना खाया है, अब क्यों खाना खाए फिर से, ऐसा नहीं होता। वैसे ही सत्संग का भी ऐसा ही है, सत्संग भी बार बार करना पड़ता है, उसका चिंतन मनन करना पड़ता है, तो उससे आपकी आत्मा शुद्ध होती है और आत्मा का पोषण होता है। ये सत्संग का महत्व है। ठीक है, लगता है सही है आपको? ओके, धन्यवाद।